हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी आर जेई 2024 इज ऑफिशियली हियर बहुत वेट किया अब फाइनली आ गया है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा जल्दी में फॉर्म फिलिंग मत करिएगा कोई माइनर मिस्टेक हो जाएगी इसलिए बेटर ये है यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड आराम से वेट करिए धीरे धीरे देख के फॉर्म फिलिंग करिए पूरे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू होगा आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ई सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे लोगों को इशू था देट ऑल्सो हैव रेक्टिफाइड अगर कोई भी दिक्कत होती है मुझसे बात कर सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए आई विल रिप्लाई पर्सनली आपका जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन था वो था जोन को लेके जोन को लेके मैंने वीडियो बनाई एंड द वीडियो went क्रेजी देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वैकेंसी ज्यादा है तो क्राउड ज्यादा आएगा क्राउड ज्यादा आएगा तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा सो आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई एम टेलिंग यू अगेन तीन चीजों को ध्यान में रखना है मेजरली दो चीजों को तो ध्यान में रखना ही है पहली चीज़ की वैकेंसी ज़्यादा हो आपके जोन में दूसरी चीज़ की कट ऑफ थोड़ा कम गया हो जोन से और तीसरी की ट्रैवल डिस्टेंस क्या पड़ रहा है आपको कई सारे लोगों का ट्रैवल डिस्टेंस से लेना देना नहीं है सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है तो इनका एक बढ़िया एवरेज निकालिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि कौन सा जोन सही होने वाला है मैंने आपको आप अपने प्रेफरेंसेज बताए हैं बट डेफिनेटली इस बार थोड़ा कट ऑफ में वेरिएशन आएगा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलकाता में ज़्यादा जाएगा कट ऑफ मैंने आपको बताया था पूरा बिहार उठ के आएगा कोलकाता में एग्जाम देने के लिए इस बार मुंबई में बहुत वैकेंसी है इस बार कट ऑफ वहाँ का हाई हो सकता है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो क्राउड उठ के आएगा दूसरा जो मेरा सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन था वो था डिपार्टमेंट प्रिफरेंसिस तो चलिए उसके बारे में बात कर लेती हूँ आपको एक क्विक आइडिया दे देती हूँ स्पेशली जो लड़कियां जानना चाहती थी मुझसे जो कमेंट्स आ रहे थे कि कौन से डिपार्टमेंट्स उनको प्रेफर करने चाहिए उनको मैं आज, आज आंसर दे देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम बॉयज़ के लिए तो ये होता है कि वेल ठीक well. है उनको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि साइट में बुला रहे हैं ऑफिस वर्क दे रहे हैं उनको ऐसा नहीं है उनको जॉब चाहिए कहीं पे भी रगड़ देंगे बट फॉर गर्ल्स इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि उनको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो ऑप्ट कर रहे हैं वो उनको साइट वर्क देगा या ऑफिस वर्क देगा तो इस बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बिफोर दैट आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर ऑफ प्रमोशन क्या होगा हम सबको पता है दैट वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर आर आर बी दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई जूनियर इंजीनियर तो आपका सिलेक्शन तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में होगा बट आफ्टर प्रमोशन फाइव टू सेवन ईयर्स आपको मिलेगा प्रमोशन और आप आ जाएंगे सेक्शनल सीनियर सेक्शनल इंजीनियर के पोस्ट पे उसके बाद प्रमोशन के बाद आप पहुँच जाएंगे असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के पोस्ट में आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड टू डिवीजनल इंजीनियर एंड देन टू दी सीनियर डिविजनल इंजीनियर ठीक है पूरी जिंदगी निपट जाती है इसी में एवरेज देखा जाए तो फोर्टी ईयर्स का आपका वर्क टाइमिंग होगा और पूरी लाइफ निपट जाएगी आपकी और मैक्सिमम लोग शायद सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक पहुंच भी ना पाए ऐसा होता है ठीक है ऐसा होता है बट आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू डायरेक्टली आ जाती हूँ डिपार्टमेंट में ये देखिए आपके लिए मैंने आपके सामने डिपार्टमेंट्स लिख दिए हैं सारे वर्कस एंड वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट डिज़ाइन एंड ड्रॉइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टोरस ये जो टॉप फाइव मैंने आपको दिखाए हुए हैं ये पूरे के पूरे टॉप फाइव आपके लिए ऑफिस वर्क होने वाले हैं ये आपके लिए ऑफिस वर्क होगा इसीलिए आई वुड से कि जो लड़कियां हैं, be आप वो भी कर सकते हैं बट नीचे अगर आप देखेंगे पी वे ब्रिजेस वर्क ट्रैक मशीन एंड टीएमएस इज गोइंग टू तो बी योर साइट वर्क पहली बात तो ये समझ जाइए अब ऑफिस वर्क में आपको पता है कि यू विल बी वर्किंग फॉर सेवन टू तो एट आवर्स और आपका वीकेंड ऑफ रहने वाला है नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू वंस यू आर डन विथ योर जॉब आप घर गए देर इज़ नो कॉलिंग अगेन बट अगर आप साइट विजिट के काम में काम कर रहे हैं साइट वर्क वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम इसमें से दो तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 24 फोर आवर्स की सर्विस डिमांड करते हैं डेफिनेटली यू विल बी पेड मोर बट जो है आपके पास मतलब एक्स्ट्रा अलाउेंसेस आपको मिलेंगे बट um, आपको सर्विस बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी एंड जस्ट टू बर्स्ट दिस मिथ दैट आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल रही है सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मैं क्या बोलूँ स्मूथ राइड फॉर यू तो लेट मी बर्स द बबल फॉर यू दैट आपके दिमाग में जो गवर्नमेंट जॉब का एक एजम्शन है ना कि अभी हमको एक दो साल हासिल करना है और उसके बाद तो चैन की जिंदगी जियेंगे रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं है एनी अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट इज पेइंग यू सर्टन अमाउंट तो यू शुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मैं अपना ऑल इन दूँ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं बट एनी रेलवे में रेलवे का वर्क कल्चर जो है वो गजब का है आई I मीन mean, ये आपसे बहुत काम डिमांड करेगा अब चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे साइट वर्क हो बट हाँ यहाँ पे आपको काम करना होगा ये सिर्फ और सिर्फ चिल करने वाली डिपार्टमेंट नहीं है सो यू हैव टू वर्क हियर रिमेंबर दैट आइए तो जैसे वर्क एंड वर्कशॉप हो गया जहां पे डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगे आपके लिए प्रोडक्शन यूनिट होगा जो आपका प्रोडक्शन यूनिट होगा डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स का देन डिजाइन एंड ड्राइंग, जहां पे आप अगर कोई नया साइट uh, नया कोई रेल लाइन बिछनी है उनका डिजाइनिंग करेंगे ड्राइंग करेंगे एंड एस्टिमेट बनाएंगे प्लेटफॉर्म के में कुछ काम होना है उसका डिजाइन और ड्राइंग बनाएंगे और उसके एस्टिमेट पे काम करेंगे वो सब होने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे रेलवे डिपार्टमेंट के आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आपको करना होगा एंड देन स्टोर्स ये सारा का सारा ऑफिस वर्क है जो आपको ऑफिस में बैठ के करना है इसके बाद अगर आप आते हैं पी वे पी वे इज दर्मानेंट वे इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउव मिलेंगे बट यू हैव टू ट्रैवल आपको बहुत काम करना होगा इट इज़ अ आवर जॉब परमानेंट वे का मतलब हो गया कि आपको एक नई ट्रैक बिछानी है पूरी नई ट्रैक बिछ रही है ट्रैक बिछेगी तो उसका अलाइनमेंट सेट करना उसका मेंटेनेंस करना सब कुछ होगा पी वे के अंदर देन देर आर ब्रिजेस ब्रिज बनना और उनका मेंटेनेंस ब्रिजेस में आएगा वर्क्स वर्क इज ऑल्सो अ वेरी साइट वर्क साइट वर्क में आपको क्या है कि रेलवे की जितनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी जितने भी आप आर आर बी जेई क्वालिफाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलेंगे तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी या फिर आपका प्लेटफॉर्म में कुछ काम हो रहा है शेड एक्सटेंड हो रहा है आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग सोसाइटी में वाटर टैंक्स बन रहे हैं वाटर सप्लाई के लिए वो पूरा का पूरा काम वर्क्स में आएगा ट्रैक मशीन में आपको टूल्स की अवेबिलिटी वगैरह चेक करनी होगी एंड टी एम एस इज दिस्टम वेर ट्रैक ठीक है तो ये भी आपका पूरा साइट विजिट है तो ये दिखा दिया मैंने आपको साइट वर्क और ऊपर दिखा दिया मैंने आपको ऑफिस वर्क ना ऑफिस वर्क और साइट वर्क के साथ साथ भी मैं आपको बता दूं कि इसके साथ मैं एक चीज एड ऑन कर रही हूँ जो कि अगेन सबसे ज्यादा मोस्टली आज था और वो था बेस्ट for फॉरदर prep ठीक है काफी सारे लोग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ई एस सी पीपल हुई सी पीपल हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पी एस सी उन सबके लिए ये बेस्ट पॉसिबल होने वाला है क्योंकि आपके पास ऑफिस वर्क है आप एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करेंगे घर जाके आप चैन से पढ़ सकते हैं सो इफ यू हैव ऐसे कोई प्लान्स आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करना है दिस डिपार्टमेंट्स विल बी बेटर फॉर यू ये मेरी प्रेफरेंस है जो मैंने आपको बताई रेस्ट जैसे ज़ोन आपको खुद से so कि आपका ये बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया होगा इफ़ यू हैव एनी फर्दर इशूज आप बिल्कुल मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग डिपार्टमेंट जोन एनीथिंग आई विल रिवर्ट एवरीबॉडी पर्सनली टिल प्लीज़ कीप ऑन प्रिपेयरिंग मैं यहाँ पे थोड़ा कम आ पा रही हूँ यूट्यूब पे बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियोस एड्रेस करूंगी इंपॉर्टेंट इश्यूज एड्रेस करूंगी क्लासेस फुल फ्लेजेड चल रही हैं टाइम कम मिल रहा है आई होप यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव लॉन्च्ड अ कोर्स सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल प्योरली द कोर्स नेम इज़ हर मैदान फतेह सारे के सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लेटेस्ट अपडेट आ जाते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आर आर बी जे को टारगेट कर रहे हैं हम इस वक्त स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियर्स दिस इज द चैनल फॉर यू सो येस टिल देन टेक केयर आई विल सी ऑल ऑफ़ यू वेरी वेरी सून कोई भी नया वीडियो चाहिए क्वेरी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में टिल देन टेक केयर कीप हसल गोइंग एवरी वन आई विल सी यू ऑल वेरी सून